इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें, तो आंख कान नाक सब खोल कर देखो जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी जो आप इंस्टाग्राम पे एक चैनल देख सकते हो, यहाँ पे 327,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। और अगर आप इसके वीडियो सेक्शन में जाके देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इसके कितने सारे वीडियोस में मिलियंस में व्यूज जा चुके हैं। कई सारे वीडियो में तो 60 मिलियन तक व्यूज जा चुका है और इसने ज्यादातर अभी तक वीडियो भी नहीं डाला है। बस 63 वीडियोस इसने अपलोड किए हैं, शॉर्ट रील्स अपलोड किया है, एक एक मिनट के रील्स अपलोड करके। अब जरा सोच के देखो कि इसे प्रोमोशन कितना ज्यादा मिलता होगा। और बस 63 वीडियोस डालकर इसने जो है अभी तक 327,000 से ज्यादा फॉलोअर गेन कर लिया है। और ये वीडियो डालता भी कैसे है, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा, देख लो आप ये कैसे वीडियोस डालता है। तो भैया इसके वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है कि एक खूबसूरत सा वीडियो होता है और उसमें एक शांति सा प्यारा सा एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जो कि इंसान को सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए इसके वीडियोस में इतने लाइक एंड व्यूज आते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ज्यादातर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है। अभी आपने ये तो देख लिया कि इसके अकाउंट के रील्स पर कितना ज्यादा व्यूज आता है, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों के दिमाग में ये बात आए कि किसी और तरीके से इसने फॉलोअर्स को भी तो गेन किया होगा। तो इसने जब अपने अकाउंट को स्टार्ट किया था, जब इसके बहुत कम फॉलोअर्स थे, तब से लेके 10,000 फॉलोअर्स होने तक, और जब जब इसके फॉलोअर्स बढ़ते गए, उन सभी चीजों का इसने एक स्टोरी बनाकर अपने अकाउंट पे डाल रखा है। तो चलो अभी हम देखेंगे इसके स्टोरी पे कि कौन कौन से रील से इसे जो है इतने ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह मिले हैं और इसने आखिर कैसे 3 लाख तक फॉलोअर्स का सफर तय किया है। तो यहाँ पे अब हम चलो इसकी स्टोरी देखते हैं। अगर आप इसकी स्टोरी पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी कि ये 5 लाख फॉलोअर्स करना चाहता है। लेकिन इसने अब तक जितने भी फॉलोअर्स किए, पहले इसने 10K फॉलोअर्स कंप्लीट किया इस वीडियो को डाल के, उसके बाद 20K फॉलोअर्स कंप्लीट किया इस वीडियो को डाल के, और इसने देख सकते हो यहाँ पे स्टोरी भी लगाया है, उसके बाद 10 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन लाइक्स और 50,000 फॉलोअर्स उसे इस वाले वीडियो से मिला था। देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे आपकी आंखों के सामने, 21 मिलियन व्यूज मिला था, 2 मिलियन लाइक्स मिला था और 100K फॉलोअर्स उसे मिला था इस वाले वीडियो से। इसी तरह से देख सकते हो जितने भी वीडियोस इसके वायरल गए हैं, उन सभी का इसने स्टोरी बनाकर यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इसकी स्टोरी वगैरह भी चेक कर सकते हो कि कैसे इसने अपने चैनल को ग्रो किया है। अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे ना ये जो है, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड वॉलपेपर नाम से और एक स्टोरी लगा दिया है। अब मान लो जितने भी लोग इसके अकाउंट को फॉलो करते हैं, वो लोग अगर इस डाउनलोड वॉलपेपर पे क्लिक करके जाएंगे, तो ये जो खूबसूरत वॉलपेपर के ये वीडियोस बनाता है, उन्हें डाउनलोड करने के लिए बोलता है कि 50 रुपये लगेगा, 40 रुपये लगेगा। इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर अमीर लोग, अमीर बाप के लौंडे होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, वो लोग बहुत ही आसानी से इन सबको खरीद लेते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स डाउनलोड, ठीक है, फ्री वॉलपेपर। तो अगर फ्री वॉलपेपर पे आप क्लिक करते हो, या तो ये आपको अपने टेलीग्राम को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा, तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब जब लोग करते हैं, तो टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा जब लोग हो जाता है, 10-15 हज़ार लोग भी अगर टेलीग्राम पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक एक कंपनी एक एक फोटो पोस्ट करने के लिए, कुछ भी पोस्ट करने के लिए 2,500-3,000 रुपये तक देने को तैयार हो जाती है। इसी तरह अगर 1 लाख फॉलोअर टेलीग्राम पे हो जाते हैं, तो 30-40 हज़ार रुपये तक एक पोस्ट का एक इंसान कमा सकता है। इसलिए ये टेलीग्राम को बोलता है ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा देख सकते हो ये अगर किसी वेबसाइट पे भी अपने सब्सक्राइबर को भेजता है, तो वहाँ पे गूगल के ऐड वगैरह, देखो मैंने बोला था ना टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, देख सकते हो टेलीग्राम अगर कोई ज्वाइन करता है तो ये प्रोमोशन से पैसे कमाएगा। और अगर आप इसके वेबसाइट वगैरह पे भी जाते हो, तो वेबसाइट पे एड्स चलती हैं, तो ऐड के मदद से इसे बहुत पैसा कमाई होता है, ठीक है। तो आप 3 तरीके से कमा सकते हो, एक तो वॉलपेपर्स को बेच के कमा सकते हो, दूसरा ऐड से कमा सकते हो, टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर ले सकते हो, और चौथा हो गया जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, वहाँ पे कंपनी आपको प्रोमोशन देगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं किसी और तरीके के बारे में नहीं बता रहा, उसी तरीके के बारे में बता रहा हूँ जिससे कि इससे फॉलोअर्स मिले हैं। इसके रील्स पे अगर आप जाओगे देखोगे, तो भाई एक एक रील्स पे 70 मिलियन 80 मिलियन 60 मिलियन 20 मिलियन 4 मिलियन इस तरह से व्यूज मिल चुका है, जिससे कि इसे लाखों में फॉलोअर्स मिलते गए और आज इसके पास 327,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 जुलाई से हमारे चैनल पे लाइव यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको खड़े होकर वीडियो बनाने से लेके शूट कैसे करना है, लाइट कैसे होनी चाहिए, वीडियो कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे लगाना है, एडिट कैसे करना है, उसे अपलोड करके वायरल कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको एक एक करके सब सिखा दूंगा।
एक बच्चा भी उस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब का एक्सपर्ट बन जाएगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वो आपको एक दूसरे चैनल पे मिलेगा, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके रख लेना। 1 जुलाई से वहां पे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, हालांकि ये जो वीडियोस ये डालता है यूट्यूब पे, यहाँ पे अगर व्यूज जाते भी है तो कोई गारंटी नहीं है, यूट्यूब पे थोड़ा कम ज्यादा व्यूज जा सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज जाते हैं। अगर 70-80 हजार भी व्यूज जाता है ना हर एक रील पे मिनिमम, तो एक एक कंपनी 40-50 हजार रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाती है। तो जरा सोच के देखो इसे कितने ज्यादा ब्रांड प्रमोशन मिले होंगे। तो कैसे तुम इस वीडियो को बना सकते हो, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वैसे कई सारे लोग होते हैं जो कि बस बहाने मार कर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा कामयाबी मिलती है। आज मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, इस तरीके की मदद से बहुत ही आसानी से आप इस वीडियो को बना सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हो। तो इन सारे रील्स को आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, यहाँ तक कि अगर आप इंस्टाग्राम पे डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक तक भी पहुंच जाता है, वहां से भी आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे व्यूज मिलते रहते हैं। कैसे वीडियो को बनाना है, कैसे पब्लिश करना है, कैसे वायरल करना है, सारी चीजें बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। इमेज क्रिएशन। सबसे पहले इमेज बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पे चले आना है, लियोनार्डो नाम की वेबसाइट पे। सारी वेबसाइट का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जैसे हम होम पेज पे आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोस आपको दिखाए जाते हैं। आपको एनिमी वाले इस वाले पेज पे आना है। यहाँ पे आपको एनिमीज जितने भी होते हैं ना वो सभी फोटोस आपको दिखाए जाएंगे, जो भी एनिमेशन फोटोस वगैरह होते हैं। अब जो चाहे आप फोटो यहाँ से तो देखो डाउनलोड कर सकते हो, जैसे चाहे आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप खुद के भी फोटोज बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बेस्ट होगा अगर आप यहीं से डाउनलोड करोगे तो। अगर आपको फोटो बनाना नहीं आता तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब भर भर के मिल जाएंगे, जितना चाहे आप स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करते जाओ और आपको बहुत सारा फोटो यहीं पे देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादातर लोग जो है यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं फोटोज़ वगैरह, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हो। इसके अलावा इमेज क्रिएशन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखोगे ना उसका फोटो बनके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे वैसे बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह जो है चेंज करनी पड़ती है, तो अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो लियोनार्डो वेबसाइट कैसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर यूट्यूब से भी वीडियोस वगैरह देख सकते हो। जैसे कि एक नेचुरल फोटो बनाने का हमने ट्राई किया तो इस तरह का फोटो बन के आ चुका है। यहाँ पे आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। दूसरे बार ट्राई किया तो कुछ इस तरह का बन के आ गया, मतलब यहाँ पे जैसे चाहे बना सकते हो। या फिर होम पेज पे अगर हम जाते हैं, एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाते हैं, और यहाँ से भी अगर हम चाहे ना किसी मान लो कि कोई फोटो पसंद आया और वैसा ही फोटो हम बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह का फोटो हम बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला फोटो पसंद आया तो इस पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद हमें फिर से इस पेज पे ले आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो फोटो तो बन के तैयार होगा, लेकिन जो हमने फोटो चूज किया था वैसा ही फोटो बनेगा। देख सकते हो हमने जो फोटो चूज किया था देखने में कुछ इसी तरह का था, लाइट कलर वगैरह जो है ऐसा ही था, तो इसी वजह से ऐसा फोटो बन के आ चुका है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा आप लिखते जाओगे उतना अलग अलग फोटो ये बना के देता जाएगा। जैसे कि मैंने गर्ल इन द फॉरेस्ट इस तरह से कुछ लिखा था नेचर, तो यहाँ पे इस तरह फोटो बन के आ चुका है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। मोशन क्रिएशन। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे आपको एक अकाउंट बना लेना है। तो फोटो जो हमने बनाया उसे हम वीडियो में तब्दील करेंगे, सीधे स्टार्ट पे क्लिक करना है, जो भी एक्सेप्ट करने को बोले कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे बस अपने फोटो को अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम फोटो को चूज करते हैं, अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके अपलोड करते हैं, रीलोड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा अपलोड होने में। जैसे ही ये अपलोड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वीडियो आपके सामने बन के आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे पूरी की पूरी आपको सेटिंग दे दी जाएगी। अब आप अपने मर्जी से जो चाहे इसमें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो अगर आप नहीं चाहते कि ये इतना ज़्यादा हिले तो वो सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या फिर जैसे चाहे आप इसमें मोशन वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। हर चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज़ करने को देखने को मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके सारे स्टेप्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बस इसी तरह आपको फोटोज़ वगैरह क्रिएट कर लेना है, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक अकाउंट से 3-4 फोटो आप डेली का डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप जितने सेटिंग चाहिए ये सब फ्री वाला जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पेड वाला भी होता है लेकिन हम फ्री वाले को डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड पे स्टार्ट कर दिया और ये अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा देख
सकते हो फोटो वीडियो बनके डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक। इसके लिए आप सीधे गूगल पे जाके जैसा चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक बिना कॉपीराइट का सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं नेचर बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च कर लेता हूँ, बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएंगे जिसमें रात के जो नेचर वाले साउंड होते हैं वो सब देखने को मिल जाता है। तो जो चाहे आप डाउनलोड कर सकते हो, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर बहुत सारा वेबसाइट है, आप यूट्यूब पे से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। इनहेंस वीडियो, इसके लिए आपको सीधे चले आना इस वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हो पहले से मैंने वीडियो इनहेंस करके रखा हुआ है। आपको AI वीडियो इनहेंसर पे चले आना है और यहाँ पे आप किसी भी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं इन सारे पहले वाले वीडियोस को जो है डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं नए से आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। इन सबको पहले हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके बस आपको वीडियो को अपलोड कर देना है और तुरंत ये जो है थोड़ा टाइम लेगा, आपके वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आपको दे देगा। तो बढ़ा लेना वीडियो की क्वालिटी, देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी आप डेली के 3-4 वीडियो जो है इनहेंस करके डाउनलोड कर सकते हो। एडिटिंग, आप चाहे तो मोबाइल में भी कर सकते हो एडिटिंग, या फिर लैपटॉप में, जहां मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एडिटिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो हम जितने भी ऑडियोज वीडियोज को डाउनलोड किए हैं उन सभी को ले लेंगे अपने एडिटिंग एप्लीकेशन में। सबसे पहले हम वीडियो लगा लेंगे, उसके बाद हम जो है बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऐड कर लेंगे। तो मैंने दो तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक लिया है, एक तो नाइट में जो रात को जो साउंड होता है, जो कीड़े वगैरह होता है, उसका साउंड ले लिया है। दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक, एक अच्छा सा शांत सा बैकग्राउंड म्यूजिक ले लिया है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। और देखो वीडियो जो है 5-6 सेकंड का है, तो इसे हमें जो बार बार कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट करना पड़ेगा ताकि 40-50 सेकंड का वीडियो बन सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि नीचे देख सकते हो लोगो दिखाई दे रहा है, तो लोगो हमने क्रॉप कर लिया। लोगो क्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक पहले हम ऐड कर लेते हैं। देख सकते हो 1 मिनट तक का बैकग्राउंड म्यूजिक 40-50 सेकंड तक का ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा वीडियो है उसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है ना, 2-4 करके। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम 4-5 पेस्ट कर लेंगे ताकि 30-40 सेकंड तक का वीडियो क्लिप ये हो जाए। और उसके बाद हम बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सबको जो है एक बराबर कर लेंगे और हमारा वीडियो फाइनली तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो आप चाहो तो इसमें जो है कोई गाना लगा सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देख आपको पता है कि गाना वगैरह में कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आता। तो आप चाहे तो गाना लगा सकते हो, या फिर कोई शायरी लगा सकते हो, या फिर कुछ लिख सकते हो उसमें, शायरी वगैरह ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग शायरी वगैरह भी पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। तो जैसे चाहे आप अपने कॉन्टेंट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको योकी बाइट नाम का चैनल दिखाया, उसके चैनल पर जाके देख लेना वो कैसे वीडियोस बनाता है। सेम टू सेम आप वैसे भी बना के अपलोड कर सकते हो। और फाइनली आपका वीडियो बनके तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, या फिर मान लो कि आपके पास कोई एक यूट्यूब चैनल है, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, आपको YouTube के बारे में कुछ नहीं पता, आप सीखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन पैसे कमाने से लेके YouTube, Facebook, Instagram, इन सभी के अपडेट वगैरह जितने भी नियम है वो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि आखिर यहाँ पे कैसे इस तरह से वीडियो बनाना है। लेकिन एक चीज याद रखना, 1-2 दिन के अंदर कुछ भी नहीं होता। आपको थोड़ा सब्र रख के वीडियो डालते रहना पड़ेगा। 2-3 महीने के अंदर ही आप देख पाओगे कि अचानक से आपके वीडियोस में किस तरह से व्यूज आना स्टार्ट हो गया और आपके कंटेंट को वायरल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमेशा कंटिन्यू काम को करते रहो। फिलहाल अगर अभी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मूवीज वगैरह अपलोड करके पैसे कमाना चाहते हो तो ऊपर वाले वीडियो को जाकर देख लेना।